नमस्कार फ्रेंड्स, देखिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा रेसिपी जो न्यू है बिल्कुल भी। ये मैंने क्रैब ले लिया है, नॉर्मल तरीके से नहीं बनाएंगे, कुछ अलग टाइप का बनाएंगे। तो देखिए, ये मेरी बुआ आई है तो इसको पूछ करके मैं आज इसको बना रही हूँ। ये बहुत ही पुराना रेसिपी है तो मेरी बुआ लोग बनाती थी, तो मैंने यहाँ पर चार क्राब ले लिया है तो इसको कट कर लेंगे इसी तरह से। मेरी बुआ कट रही है तो मुझे डर लगता है तो मैं नहीं कटी कट कर रही हूँ, तो उन्होंने उसको उनको बोली तो वो काट रही है। देखिए इसी तरह से चार क्राब काट लेंगे इसी तरह से, और इसका पैर सब काट लेंगे। तो फिर इसको जो है कढ़ाई गरम होने के बाद मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है इसमें। ऑयल गरम होने के बाद 5 फुटन जो 5 रकम का होता है टाइप का, तो इसी में डाल देंगे 1 चम्मच एंड सूखी मिर्च, और इसमें डाल करके भून लेंगे। फिर इसमें मैंने ले लिया है कद्दू, मूली एंड आलू, इसको पतला पतला काट करके इसी तरह से काट करके तो मैं इसमें डाल रही हूँ, भून दूँगी थोड़ी देर के लिए। एंड क्रैब का जो लेग होता है पैर, उसी को इसी में डाल करके भून लेंगे। फिर इसी में हम नमक डाल देंगे 1 चम्मच या स्वाद अनुसार, एंड टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर एंड मिर्ची पाउडर इसमें डाल देंगे, और डाल करके हम इसको भून लेंगे थोड़ी देर के लिए इसी तरह से, देखिए। एंड फिर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद देखिए ये थोड़ा सा ड्राई ड्राई हो गया है, भून गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक बाउल करीब, छोटा बाउल में, तो इसी में पानी डाल देंगे थोड़ा सा उबालने के लिए। देखिए अब मैंने क्राब जो है इस पर काट के रखा हुआ था तो मैं इसको डाल दे रही हूँ, और इसको थोड़ी देर के लिए चला लूँगी इसी तरह से। और इमली का जो, देखिए इसी तरह से मैश करके रखा हुआ था तो इमली का जो घोल है तो मैं इसी में डाल दूँगी, और आधे घंटे के बाद देखिए कितना बढ़िया हमारा क्रैब करी बन के तैयार हुआ है। और इसको आप लोग ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस फूड होती है, एंड ज़्यादा मसाला वगैरह कुछ भी मैंने नहीं डाला, एंड ये खाने में भी बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी है। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।